सी डोंट गेट इन टू टर्मिनोलॉजी। किसी ने कह दिया पार्किंसन, वो तो अपने नाम पर रख दिया किसी ने। देखो आप फिरंगियों के चक्कर में ज्यादा पड़ गए, वो कोई भी चीज ठीक नहीं करते, नाम रखते हैं केवल। तो पार्किंसन होता क्या है और पार्किंसन है कि नहीं है, अब इस गेम में फंस गए। ट्रेम्बलिंग क्यों हो रही है? द कंट्रोल हैज बीन लॉस्ट मे बी आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम पार्किंसन, पार्किंसन भी तो न्यूरो डिजनरेशन ही है। तो लंबे समय में कोई चीज हो जाए तो उसको पार्किंसन कह देंगे, लेकिन ये ट्रेम्बलिंग जो है ना, ये जवान जवान लोगों में शुरू हो जाएगा। आप देखें थोड़ा समय, 5 से 10 साल, अगर आपने अपनी आंखें नहीं खोली तो ये जिसे आप मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, इसमें साइंस के अलावा सब कुछ है, साइंस नहीं है इसके अंदर, उसने सबकी हालत खराब कर देनी। मुझे एक डिजीज बता दीजिए जो कि कम हो रही है दुनिया में। डायबिटीज बढ़ रही है, थायराइड बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर वन कॉज, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एपिडेमिक बन रहा है। हाँ, बच्चों में 10 में से 6 बच्चे बच्चे और अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में आ रहे हैं, एडीएसडी। कितने सारे डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं, किडनी इश्यू सबको आ रहा है। अब मुझे बताइए, जितनी भी महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, यहाँ पे औरतें हैं, इनफर्टिलिटी का इश्यू कितने लोगों को आ रहा है, आईवीएफ सेंटर कितने खुल रहे हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि जी हमें तो मालूम है सब कुछ, तो कोई भी डिजीज कम क्यों नहीं हो रहा, बढ़ क्यों रहा है? न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम सभी को हो रहा है, सभी को हो रहा है, ऐसे नहीं कि जवान लोगों को नहीं हो रहा है ना। स्पोर्ट्स के लोग ट्रेडमिल पे खेलते खेलते हार्ट अटैक आ जाता है, खत्म हो जाता। तो आपका ये जो दवाइयों का सिलसिला चालू हुआ ना, इसमें कोई साइंस नहीं है, है ना। साइंस के नाम पे, पहले तो रिलीजन के नाम पे ये फिरंगियों ने मारा करोड़ों लोगों को, अब ये साइंस के नाम पे अरबों लोगों को मार रहे हैं। पर आप समझदार हैं, आप भारतीय हैं, आप समझदार हैं, प्रॉब्लम ये है थोड़ा एजुकेटेड हो गए आप, इसीलिए समझ खत्म हो गई, कम हो गई, है ना। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, आप लोग भारतीय हैं, आपने दुनिया को साइंस दिया, अभी आंखें खोलने की जरूरत है। तो क्या कैसे ठीक होगा ये, क्या ये ठीक हो सकता है? आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, एलोपैथी में चले जाएं, दुनिया में कहीं पर भी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सब आपको ये टेस्ट वो टेस्ट, दोबारा से टेस्ट का कट मिलता है, ये दवाई वो दवाई, दवाई खा के आप और हालत खराब हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने आपका शरीर बहुत सेंसिटिव होता है, आपका शरीर बड़ा सेंसिटिव होता है ना। इसका स्वामी जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, देयर वाज डिस्टरबेंस इन द बैकग्राउंड। सो आपका शरीर सेंसिटिव होता है, इसका तरीका है काम करने का। आपने इसको क्रिमिनल बना दिया। कोरोना कैसे ठीक करेगा या इंफेक्शन कैसे ठीक करेगा आपका शरीर? गर्मी पैदा करके, फीवर कहते हैं ना उसे, जैसे ही कोरोना होता है फीवर होता है ना। मगर आप क्या करते हो, एक डोलो पैरासिटामोल क्रोसिन खा के फीवर को डाउन कर देते हो, आप शरीर को ठीक नहीं करने देते अपने आप को। दस्त कराता है, दस्त रोक देते हैं, उल्टी कराएगा उल्टी रोक देंगे, दर्द कराएगा बोलेगा कि ये प्रॉब्लम है ठीक करो। आप प्रॉब्लम ठीक नहीं करोगे, दर्द को ही काट दोगे, रेड लाइट को ही तोड़ देंगे। तो आप शरीर, आपने शरीर को क्रिमिनल बना दिया। ब्लड प्रेशर बढ़ा के थोड़ा अपना को सपोर्ट करता, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा के, कॉर्टिसोल बना के, एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, अपने शरीर को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा, वो नहीं करने देते आप शरीर को कोई काम ही नहीं करने दे रहे। और इसे कह रहे हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस, ये तो क्रिमिनल है। अपने शरीर को खराब करना तो क्रिमिनल एक्टिविटी है, इसको कम से कम साइंस का नाम तो मत दो, ट्रीटमेंट का नाम तो मत दो। जब आप शरीर को मारने को ट्रीटमेंट बोलने लग जाएंगे, तब तो भगवान भी नहीं बचा सकता। बचपन से आपने यही किया, कभी तो आंखें खोलनी पड़ेंगी। हमारी आगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन खराब हो रही, हमारा जीनोम डिविएट हो रहा, हमारा जेनेटिक डिविएशन हो रहा,
सौ साल पहले किसी को डायबिटीज नहीं था, आपके याद कीजिए अपने पूर्वजों को, अपने दादा दादी नाना नानी, उनको नहीं था प्रॉब्लम। और फिर आपको बताया जा रहा है जेनेटिक है जी, तो आप क्या मार्स से आए, किसी दूसरे ग्रह से आए? 200 साल पहले कुछ भी नहीं था, किसी को हार्ट डिजीज नहीं होता था, ब्लड प्रेशर नहीं होता था, आपको है। फिर कहते जेनेटिक है जी, आपके परिवार में है, परिवार में तो दो जनरेशन पहले तो थी नहीं कोई प्रॉब्लम, तो आप लगता है पृथ्वी पे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी टपके हैं, वहां से स्पेसक्राफ्ट से आए हैं कहीं से। तो आप सवाल पूछिए, कुछ भी बोलने पे मानिए मत, कोई अंग्रेजी बोल देता है तो आपको लगता है बुद्धिमान हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और किसी ने कैसे कपड़े पहन लिए तो बुद्धिमान होगा, ये सब चीज छोड़िए, आप लोग भारतीय हैं, आप लोग समझदार हैं, ट्रीटमेंट शुरू कीजिए अपना, आपके शरीर की शक्तियों को वापस करना।